शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर में होने वाली भाजपा की रैली को लेकर बीजेपी पर जमकर जुबानी वार किया। वहीं राकेश सिंह यादव ने कहा कि 12 तारीख को होने वाली रैली के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा है जिसमें अनुमति नहीं देने की भी मांग की है। आपको बता दें कि सीएए के समर्थन में बीजेपी और अन्य संगठनों द्वारा लगातार रैलियां निकाली जा रही है और आगे भी रैली निकाली जाएगी। इस दौरान यादव ने कहा कि जिला प्रशासन को पत्र लिखकर यह अपील की गई है कि फर्जी एवं बोगस संगठन के नाम पर सीएए समर्थन रैली को अनुमति ना दी जाए। भाजपा रैली निकाल रही है तो अनुमति भी भाजपा संगठन प्राप्त करे, अन्यथा अन्य मंच की रैली अगर निकलती है तो भाजपा के झंडे को रैली में प्रतिबंधित करने की शर्त पर ही अनुमति दी जाए। रैली में राजनैतिक नारों का इस्तेमाल ना किया जाए, उसकी अनुमति भी नहीं मिलनी चाहिए। भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को समर्थन रैली में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाए। जो संगठन रैली की अनुमति प्राप्त कर रहा है उसके ही सदस्य रैली में शामिल हों, इन शर्तों के साथ अनुमति जारी की जानी चाहिए। शहर की शांति व्यवस्था को देखते हुए पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। वो